नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल एग्जाम रेस पे। दोस्तों आज मैं आप लोग के जीके मॉक टेस्ट की नई वीडियो लेकर आ रखा हूँ जो कि एनसीएल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा ताकि आप लोग एक भी प्रश्न एनसीएल की परीक्षा में ना छूट सकें। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साइड में दिख रहे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों आप लोग काफ़ी कमेंट करते हैं कि सर एलिमेंट्री और पेट्रोल इंजन डीजल इंजन के क्वेश्चन लाइए। तो दोस्तों आप लोग के लिए एलिमेंट्री पेट्रोल इंजन डीजल इंजन से रिलेटेड क्वेश्चंस लाने वाले हैं, तो आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए क्योंकि उसमें एनालिसिस करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है कि किस टाइप के क्वेश्चन देने चाहिए आप लोगों को, किस लेवल के क्वेश्चन वहाँ पर आएंगे। तो दोस्तों प्लीज़ आप लोग वेट कीजिए। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। दोस्तों क्वेश्चन है, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बताएं फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, पंजाब राज्य का लोक नृत्य है। ठीक है दोस्तों, और बात करते हैं पंजाब की, पंजाब की राजधानी क्या है दोस्तों? चंडीगढ़। और वर्तमान में सीएम कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। और बीपी सिंह भंडौरे क्या है दोस्तों? यहाँ के गवर्नर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो प्रश्न दोस्तों, निम्न में से पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो बताएं फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किन्हें पंजाब केसरी की उपाधि दी गई है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी की उपाधि दी गई है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो बताइए फ्रेंड्स, किसके द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर से एक प्रश्न और बनता है कि स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा। तो क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष में पहली रेलवे लाइन मुंबई और ठाणे के बीच में चलाई गई थी? तो दोस्तों बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस वर्ष पहली रेलवे लाइन मुंबई और ठाणे के बीच में चलाई गई थी? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, 1853 ईस्वी में पहली रेलवे लाइन मुंबई से और ठाणे के बीच में चलाई गई थी। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई थी? तो दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बिछाई गई थी, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कोल विद्रोह 1831-32 का नेतृत्व किसने किया था? तो बताएं फ्रेंड्स, यहाँ पर से उत्तर क्या हो जाएगा, कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 4, बुद्धो भगत के द्वारा कोल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। ठीक है दोस्तों, और ये विद्रोह कहाँ किया गया था? छोटा नागपुर के क्षेत्र में किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो प्रश्न दोस्तों, निम्न में से भारत का राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा लिखा गया है? तो बताएं फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके द्वारा भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा गया है? तो सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर आप लोग का, ऑप्शन नंबर 2, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा हमारे भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा गया है। और भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है दोस्तों? वंदे मातरम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो बताएं फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, 10 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो क्वेश्चन दोस्तों, गांधी जी की डांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है? तो बताएं फ्रेंड्स, दिए गए विकल्पों में से गांधी जी की डांडी यात्रा किसका उदाहरण है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न दोस्तों, वर्तमान में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? तो बताइए फ्रेंड्स, दिए गए विकल्पों में से कौन है वर्तमान में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, जगदीश धनखड़। ठीक है दोस्तों, और वर्तमान में सीएम कौन है पश्चिम बंगाल की? ममता बनर्जी। और पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है दोस्तों? कोलकाता। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, 1924 ईस्वी में की गई थी। ठीक है दोस्तों, और उस समय इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? सचिंद्र सान्याल को बनाया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दोस्तों क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर निम्न में से कहाँ स्थित है? तो बताएं फ्रेंड्स, दिए गए विकल्पों में से कहाँ पर स्थित है प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, गुड़गांव में स्थित है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों यहाँ पर एक जो शीतला माता मंदिर है वो राजस्थान के पाली जिले में भी स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगर ऑप्शन में पाली आ रहा है
तो आप लोगों का पाली भी सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों, चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ निम्न में से किसने किया था? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने किया था चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, हुमायूं ने किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न दोस्तों, नटराज के प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, किस कला का उदाहरण है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, चोल कला का उदाहरण। ठीक है दोस्तों, और इस काल में कांस्य मूर्ति के साथ साथ दोस्तों पत्थर की मूर्तियाँ भी निर्मित की जाती थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट तक वीडियो पहुँच सके, उनकी भी तैयारी हो सके। तो दोस्तों क्वेश्चन है, उज्जैन किस नदी तट के किनारे स्थित है? तो बताए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस नदी तट के किनारे स्थित है उज्जैन? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न दोस्तों, घुघुआ फॉसिल पार्क निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो बताए फ्रेंड्स, सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर किस राज्य में स्थित है घुघुआ फॉसिल पार्क? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप लोग का 4 बिल्कुल सही होगा, मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है दोस्तों, और बात करते हैं मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों? भोपाल। और सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और गवर्नर कौन दोस्तों? आनंदीबेन पटेल। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न क्या अगला। तो प्रश्न दोस्तों, ओलंपिक फ्लैग में निम्न में से कितने गोले होते हैं? तो बताए फ्रेंड्स, आप लोगों ने ओलंपिक फ्लैग देखा होगा तो उसमें कितने रिंग्स होते हैं? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों का? ऑप्शन नंबर 2, 5 गोले होते हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से काफ़ी प्रश्न बनते हैं कि ओलंपिक खेल कितने वर्षों में आयोजित किए जाते हैं? दोस्तों वो 4 वर्षों में आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। और यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि एक ओलंपिक में सर्वाधिक गोल्ड मेडल जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो वह दोस्तों माइकल फ्लेप्स। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, सुनामी तरंग निम्न में से किससे उत्पन्न होती हैं? तो बताए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके द्वारा सुनामी तरंगे उत्पन्न होती हैं? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा आप लोग का? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, समुद्र के नीचे भूकंप के कारण दोस्तों सुनामी तरंगे उत्पन्न होती हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों, प्रसिद्ध झंडा ऊंचा रहे हमारा का नारा किसने दिया था? तो पता है फ्रेंड्स, दिए गए विकल्पों में से किसने प्रसिद्ध झंडा ऊंचा रहे हमारा का नारा दिया था? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा आप लोग का? यहाँ पर राइट आंसर है आप लोग का ऑप्शन नंबर 3, श्यामलाल गुप्त पार्षद ने दोस्तों प्रसिद्ध झंडा ऊंचा रहे हमारा का नारा दिया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों ने इससे पहले हमारी जीके की वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को जरूर देखें, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ से आप लोग जाके वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों चैनल पर लगातार मॉडल पेपर अपलोड होते जा रहे हैं, तो दोस्तों वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा आप लोग। तो प्रश्न है, प्रकाश वर्ष का संबंध निम्न में से किससे है? तो बताए फ्रेंड्स, दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है प्रकाश वर्ष? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, दूरी से। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन दोस्तों, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो बताए फ्रेंड्स, यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, भारत रत्न। ठीक है दोस्तों, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो प्रश्न दोस्तों, चिल्का झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो बताए फ्रेंड्स, यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, किस राज्य में स्थित है चिल्का झील? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, और बात करते हैं उड़ीसा की, तो उड़ीसा की राजधानी क्या है दोस्तों? भुवनेश्वर। और वर्तमान में सीएम कौन है? नवीन पटनायक। और गवर्नर कौन दोस्तों? गणेशी लाल। तो ये सब बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है, जो कि एनसीएल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न दोस्तों, निम्न में से शक्ति का मात्रक क्या है? तो बताए फ्रेंड्स, यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 3, जो दोस्तों पावर का ऐसा ही मात्रक है वो क्या है आप लोग का? वॉट है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्राकृतिक रेडियो एक्टिविता नहीं दर्शाता है? तो बताएं फ्रेंड्स, दिए गए विकल्पों में से कौन सा तत्व प्राकृतिक रेडियो एक्टिविता नहीं दर्शाता है? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा?
तो यहाँ पर राइट आंसर आप लोग को पता चल गया होगा, ऑप्शन नंबर 3 एल्यूमिनियम। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों यहाँ पर जो यूरेनियम और थोरियम दे रखे हैं, ये दोस्तों इनका उपयोग कहाँ पर होता है, तो इनका उपयोग दोस्तों रिएक्टर में ईंधन के रूप में किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, भू परपट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व निम्न में से कौन सा है? तो बताएं फ्रेंड्स, वह कौन सा तत्व है जो भू परपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, ऑक्सीजन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो प्रश्न दोस्तों, भारत द्वारा अंटार्कटिका में स्थापित प्रथम अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? तो बताएं फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो बताइए क्या नाम है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, दक्षिण गंगोत्री। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न दोस्तों, प्लासी का युद्ध निम्न में से कब हुआ था? तो बताएं फ्रेंड्स, सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो प्लासी का युद्ध है वो किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, प्लासी का युद्ध दोस्तों जो 1757 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, और किन किन के बीच में हुआ था? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। ठीक है दोस्तों, जिसमें कि अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हरा दिया था, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न दोस्तों, फेडरेशन कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो बताए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस खेल से संबंधित है फेडरेशन कप? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों को दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2, फुटबॉल खेल से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न दोस्तों, भारतीय उपग्रह श्रृंखला जो दूर संचार तंत्र के लिए उपयोग में लाई जा रही है वह है? तो बताइए फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सी है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, इनसैट। ठीक है दोस्तों, जो इनसैट है दोस्तों, INSET, जो इनसैट है दोस्तों, इसका पूरा नाम क्या है? इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है दोस्तों, दोस्तों जो इनसैट उपग्रह है यह दूर संचार, प्रसारण, मौसम विज्ञान व खोज व बचाव कार्य के लिए उपयोग में लाई जाती है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न दोस्तों, हृदय के रक्त का संचरण करने वाली धमनियां क्या कहलाती हैं? तो बताएं फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर, हृदय के रक्त का संचरण करने वाली धमनियां क्या कहलाती हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, हृदय धमनियां कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, जो हृदय धमनियां होती हैं यह रक्त को हृदय तक ले जाती हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा। तो प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से यूरोप का खेल का मैदान किसे कहा जाता है? तो बताएं फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसे यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? तो सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर आप लोग का, ऑप्शन नंबर 2, स्विट्जरलैंड को दोस्तों यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। और दोस्तों ऐसे एक प्रश्न और बनता है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो दोस्तों तुर्की को। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न दोस्तों, ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र किसने तैयार किया था? दोस्तों ये आप लोग का आज का सरप्राइज क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों ये थे आप लोग के आज के टॉप 30 GK के क्वेश्चंस, जो कि एनसेल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट तक की वीडियो पहुँच सके, उनकी भी तैयारी हो सके। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।